नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्य ऑयल में। तो आज हमारे पास है सैमसंग J6, जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम थी। ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, किसी ने इसका कनेक्टर लगाया था तो ये चार्ज नहीं हो रहा था फिर भी। तो ये हमारे पास काउंटर से आया हुआ सेट है, तो हम देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो हमने इसका कनेक्टर और इसका जो चार्जिंग प्रॉब्लम था वो हमने सही कर दिया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा मोबाइल जो चार्जिंग था वो कैसे सही हुआ है। तो हमारा इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ये इसमें ये जो इसके ट्रैक थे, चार्जिंग वाले ट्रैक, वो उखड़े हुए थे। इसमें ट्रैक एक भी नहीं थे। ये जो हमारे पॉइंट हैं, जो इनके ये जो ट्रैक रहते हैं, नीचे से ट्रैक पूरे उखड़े हुए थे। तो हम देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टर जो होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसका ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये DM DP वगैरह हो जाते हैं, और ये प्लस मेन हो जाता है प्लस, ठीक है। तो हमारा जो ट्रैक उखड़े होते हैं, लास्ट वाला उखड़ा हुआ है, और ये प्लस वाला है हमारा ट्रैक, पहले वाला ये ट्रैक इसका उखड़ा होता है जो हमने दिया है। यहाँ से ये ब्लैक वाला का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से हमने इसका दिया है, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी हम सप्लाई सही करके और इसका चार्जिंग सही कर सकते हैं। और जो आप ये इधर से लास्ट से चौथे नंबर वाला आप से सेकंड वाले जम्पर में कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा सेट सही हो चुका है चार्जिंग इसका। और अगर ये लास्ट वाला ट्रैक उखड़ा है, सबसे लास्ट वाला, तो इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला लास्ट है, सेकंड लास्ट पॉइंट जो रहता है इसका, मेन प्लस वही होता है, उससे परफेक्ट चार्जिंग बन जाती है और सही हो जाती है। तो हमें ज़रूरत है सेकंड लास्ट की, और 1 2 3 4 5 6 इसका मेन है चार्जिंग का। आप इतना सही कर लें इसकी सप्लाई, उसके बाद आपका जो वो होता है चार्जिंग, वो सही हो जाएगा। तो अभी हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चार्जिंग ये शो हो रहा है, और ये चार्ज भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। ये देखिए 3% है। तो इस प्रकार से आप J6 की चार्जिंग सही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।